वेलकम फ्रेंड, आज हम पाक फिल्मी सीरीज़ की किस्त नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, यानी कि किस्त ये दूसरी किस्त है। इसमें हम देखेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की छोटी बड़ी सब न्यूज़। तो सबसे पहली जो मूवी है वो है घबराना नहीं है। पहले तो आप सबको पता होगा कि ये मूवी विडली ऐप पर अवेलेबल है। वर्ल्ड टेलीविज़न भी प्रीमियर इस मूवी का हो चुका है। अब ये जो है ना HD में जो है ना वेबसाइट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ है मौला जट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो आपको बताता चलूँ कि मौला जट ने पाकिस्तान में टोटल 40 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इसके अलावा ओवरसीज़ की बात करें तो बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ को जो है ना बीट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, न्यू मूवी आ रही है स्नेक, जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं हसन फरीद और प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं शेरा रॉय, यानी कि सिंगर हैं। तो अगर मूवी की बैनर की बात करें तो मूवी बनी है रॉय मोशन पिक्चर के बैनर तले, और इस मूवी को लिखा है विक्रम भट्ट ने, यानी कि इंडिया के राइटर हैं उन्होंने इस मूवी को लिखा है। अभी मूवी की कास्ट कंफर्म नहीं हुई, मतलब हुई है अभी डिटेल नहीं आ रही, सिर्फ एक फर्स्ट लुक पोस्टर है और ये मूवी आएगी 2023 में। नेक्स्ट अपडेट है भेड़िया मूवी के बारे में। पहले इस मूवी का नाम रखा गया था टारगेट, अब इस मूवी का नाम चेंज करके रखा गया है भेड़िया। मूवी कास्ट में जो है ना शफका चीमा, शेरियार मुनव्वर, शहजाद बिल्ला और राशिद महमूद आपको देखने को मिलेंगे। मूवी की कास्ट के यही है, मतलब साथ ही सिदरा नूर भी देखने को मिलेगी। मूवी बनी है एस आलम प्रोडक्शन के बैनर तले। मूवी के अगर फर्स्ट लुक थीज़र की बात करें तो मूवी का फर्स्ट लुक थीज़र आपको जो है ना न्यू ईयर में देखने को मिलेगा, यानी कि दिसंबर के एंड में। तो मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो मूवी रिलीज़ होगी 2023 में। नेक्स्ट अपडेट है सुपर पंजाबी मूवी के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था, अपडेट दी थी कि सुपर पंजाबी मूवी आ रही है, बन रही है, जिसको अबूलिया मतलब डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर सफदर मलिक और इफ्तखार टॉकर हैं। मूवी की कास्ट कन्फर्म हो चुकी है, सना फ़खर और जो है ना मोहसिन अब्बास हैदर इस मूवी में कन्फर्म हो चुके हैं, साथ इफ्तखार ठाकुर भी नज़र आएंगे। नेक्स्ट अपडेट है हम तुम हुए अजनबी मूवी के बारे में। ये मूवी जो है ना पाकिस्तानी बॉय और बांग्लादेश की लड़की की लव स्टोरी होने वाली है, यानी कि 1971 के वार पर बनाई गई है मूवी। मूवी के डायरेक्टर हैं कमरान शायद, न्यू डायरेक्टर हैं, फर्स्ट मूवी है उनकी। तो खैर मूवी जो है ना क्लियर हो चुकी है सेंटर बोर्ड से। इसके अलावा अभी कोई ट्रेलर या रिलीज़ डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मूवी जो है ना क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब मूवी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब मतलब मूवी जो है ना क्लियर हो चुकी है तो जल्द देखने को मिलेगी। मूवी की कास्ट में आपको जो है ना देखने को मिलेंगे मकाइल जुल्फकार, सादिया खान, साथ ही आपको जो है ना शमून अब्बासी भी देखने को मिलेंगे। पहले मूवी का नाम रखा गया था द ट्रायल, अब चेंज करके रखा गया है हम तो अजनबी। ISPR के प्रोडक्शन के बैनर तले ये मूवी बनी है। नेक्स्ट अपडेट है उम्र अय्यार की। ये मूवी जो है ना एक जो है ना एक्शन टाइप मूवी होने वाली है। आप सबको ये पता होगा कि एक्शन सीन जो है ना मौला जट के बहुत ज़बरदस्त हैं। एक्शन सीन उसी टीम ने मतलब इस मूवी के भी किए हैं, यानी कि अगर मौला जट का कोई रिकॉर्ड मूवी तोड़ेगी तो यही मूवी होगी, क्योंकि इस मूवी की कास्ट भी बहुत बड़ी है और जो है ना ये मूवी जो है ना लेजेंड ऑफ मौला जट के बजट के बराबर की मूवी होगी। मूवी की कास्ट बहुत बड़ी है। मूवी के मेन जो है ना हीरो के करेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे वो हैं उस्मान मुख्तियार। वैसे उस्मान मुख्तियार की दो मूवीज़ आ रही हैं, एक चक्कर एक उम्र अय्यार। इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर वही हैं, मतलब जो पहले लेजेंड ऑफ मौला जट के डायरेक्टर मतलब एक्शन डायरेक्टर थे। तो अगर मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी की कास्ट में आपको जो है ना सनम सईद, उस्मान मुख्तियार, इसके अलावा मंजर सैफी और भी बहुत सारे एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अजवर जाफरी, जो पहले जो है ना पर्ची मूवी जाना डायरेक्ट कर चुके हैं। तो ये उनकी जो है ना सबसे बड़े बजट की मूवी होने वाली है।